नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरेंद्र और आप देख रहे हैं डीके वेबटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप इस वक्त चल रहा है और बच्चे इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि उनका आधार जो बैंक में लिंक है या नहीं। तो दोस्तों, वो बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और कैफे के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार परेशान हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, माई आधार खोल लेना है। माई आधार आपको गूगल पर सर्च करना है, ठीक है? और माई आधार जैसे सर्च करेंगे तो आधार की जो साइट है वो आ जाती है खुल के। तो यहाँ पे बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको इंग्लिश सिलेक्शन करना है, ठीक है? फिर उसके बाद में, या फिर देखिए, अगर आपको यहाँ पे ढूंढने में, चूंकि नए बच्चे होंगे उनको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए आपको सिंपल सा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, न्यू टैब पे माई आधार, चूंकि मैंने ऑलरेडी खोल रखा है तो मेरे में खुल के आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे। तो माई आधार बैंक आधार लिंक स्टेटस ऐसे कुछ करके आपको डालना है, ठीक है? फिर यहाँ पे माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। देखिए, आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपको सीधा सा यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और फिर यहाँ पे वी जो कैप्चा है वो फिल करना है। तो कैप्चा फिल करने के बाद जैसे आप ओटीपी सेंड करते हैं तो ओटीपी आपका जो है चला जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है दोस्तों? जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके आधार की डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आप अपने आधार की डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ फ्लिप करेंगे तो बैक साइड का आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस आपको दिख जाता है, मोबाइल पे भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। बैंक सीडिंग स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव अगर है आपका, ये एक्टिव है तो यानी कि आपका आधार जो है वो लिंक है। अगर इनएक्टिव है तो यानी कि आपको बैंक जाके आधार सीडिंग कराना है। बैंक में जाके आपको आधार बोलना है कि उनको आधार सीडिंग कर दीजिए, बस। वो तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बैंक वाले बोलते हैं हाँ हमने कर दिया और बच्चे बार बार चक्कर लगा रहे हैं, 10 यो चक्कर लगा रहे हैं बच्चे ऐसे ऐसे, मैं अपने कैफे में देख रहा हूँ। तो गाइज, इस तरीके से आप चेक कर लीजिए और आराम से जाइए, फिर इजिली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, प्रिंट भी निकल आएगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रिंट भी नहीं निकलता। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।